यहाँ का फेमस प्रसाद है नैवेद्यम, जो इस साइड में मिलता है। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं हूँ पटना के महावीर मंदिर के सामने और अभी जाने वाला हूँ अंदर पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले इस मंदिर के बारे में आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के दो विग्रह हैं, इसमें से एक में मनोकामना पूरा होती है और एक रहते हैं। अब देख रहे हैं बबलू यार, बहुत दिनों के बाद साथ में हैं। साथ में हैं और हम लोग अभी दर्शन करेंगे, फिर अंदर का भी अभी थोड़ा सा व्यू वगैरह यहाँ देखने मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग चलते हैं अंदर और इधर अतुल भाई है। हेलो सब, हम लोग सुबह सुबह ही नहा के आ गए, टाइम देख सकते हैं ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:30 बज रहा है। इधर है शू काउंटर, यहाँ पे आप अपना शू यहाँ जमा कर सकते हैं और उसके अंदर में है प्रसाद मिलता है, प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ का फेमस प्रसाद है नैवेद्यम, जो इस साइड में मिलता है और इसी साइड से आगे से गेट है मंदिर में जाने के लिए। तो हम लोग पहले शू जमा कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग अंदर। यहाँ से आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। भैया 250 ग्राम दे दीजिए। किधर यहाँ पे दिल कटा के दीजिए, उसके बाद यहाँ से प्रसाद मिलेगा। कितना 83। और यह जो प्रसाद है नैवेद्यम, तिरुपति के बाद देश में सबसे अधिक बिकने वाला लड्डू। चलो तिरुपति के बाद सबसे ज़्यादा यही बिकता है। और अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर, ले लेगा बोलो। चलिए तो हम लोग आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में और ये देख सकते हैं खूबसूरत मंदिर का नज़ारा। और एक गेट है, ये शायद एग्जिट गेट है लेकिन बंद है अभी। इधर से भी एग्जिट है और इधर से एंट्रेंस है। यहाँ पे लाइन है पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। अभी हम लोग पूजा करने के लिए लगे हुए लाइन में, हमारे पीछे अतुल के पीछे बैठ गया। ज़्यादा लंबा लाइन नहीं है क्योंकि सुबह का ही टाइम है। अभी हम लोग यहाँ से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं बाहर। रसको लीजिए आप। तो दोस्तों हम लोग नीचे में पूजा कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर पूजा करने के लिए। तो इधर पूजा करने के बाद उस साइड से घूम के आना पड़ता है और ये रहा सीढ़ी। इधर से ऊपर जा सकते हैं और इधर से एग्जिट है निकलने के लिए।
तो हम लोग को चलना है अभी ऊपर में, मंदिर में सोना मना है। एक सूचना लिखा गया है कि जो भी नीचे में प्रसाद हनुमान जी के ऊपर चढ़ाते हैं वो किसी और देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाए। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर में ये नोटिस लिखा गया है। यहाँ पर दुर्गा माता का मूर्ति है और इसके अंदर शिवलिंग है जहाँ पर पूजा हो रहा है, दूध अभिषेक। और ये अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी का एक मूर्ति बनाया गया बहुत ही सुंदर। इधर देख सकते हैं हमारा पटना जंक्शन का क्या नज़ारा है। ओ भाई सुंदर लग रहा है ना। पूजा करनी है और आ चुके हैं सबसे ऊपर हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे पटना जंक्शन और फिर से ऊपर से कुछ अलग ही नज़ारा है, बहुत ऊपर आ गया। और ये रहा, इसके ऊपर नहीं है, यही लास्ट है मंदिर का। इधर भी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ हनुमान मंदिर का। इधर देख सकते हैं पटना की खूबसूरत सुबह, यहाँ पे सूर्य देव। और अभी हम लोग जाएंगे नीचे। तो दोस्तों हम लोग पूजा करके निकल चुके हैं मंदिर के बाहर। कैसा लगा भैया पूजा करके? बहुत मन को शांति भी आ रहा है। अगर आप लोग एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी आप लोग पटना शहर आते हैं तो जरूर हनुमान मंदिर विजिट करना भाई। स्टेशन के तो बगल में ही है। हम लोग सुकून मिलेगा, आप लोग आएंगे तो ऐसा पूजा करने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, या भगवान चाहते ही नहीं थे कि इस टाइम हम लोग पूजा कर पाए। लोग आए बहुत बार, लगे इस बार हम लोग दर्शन कर लिए। हम लोग का सौभाग्य हुआ कि हम लोग इस बार अच्छे से पूजा कर पाए, बहुत मतलब एक डेढ़ घंटा तो उनके ही। यहाँ से आप मतलब यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे महावीर मंदिर से जो संस्था चलाया जा रहा है या कहीं भी दान दिया जा रहा है उन सभी जगहों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से है निकास एग्जिट, तो हम लोग जा रहे हैं अब बाहर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से बाहर पूजा करके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद वंदे मातरम।